प्रजातंत्र देशस्य महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी महाराजस्य करणच कमल द्वारा पूजा अस्माभिः कृता अस्य क्षमा याचना प्रार्थना पापमोचनम बुद्धि सुबुद्धि प्राप्तार्थम कुबुद्धि निवृत्त्यर्थम दुष्ट बुद्धि हरणार्थम पापमोचन प्रायश्चित क्षमा प्रार्थना क्षमा पूजा वयम करिष्यामहे। ॐ स्व परमेश्वरः ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं सुरेसुराय पूजित मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशम्मया दासोऽयमिति मा मत्वा क्षमस्व परमेश्वरः। ॐ यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवः प्रसीद परमेश्वरः। ॐ कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेषु वा वात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पये ततो नमः शिवाय। ददरिभक्ता प्रथमो दैव्यो विकाकायीं सदर्वाञ्जं वयं सर्वाश्च जातुधान्योधराजीः पराशुभ असौ जस्ताम्रवरुणो दभ्रुः सुमङ्गलः जैतैनगोरुद्रावितो दीक्षुश्रिताः। ॐ नमः शिवाय। यो नाकाबन्दी गरेर सुहाउँदैन भनेर दुर्गा भवानीले सम्झाइदियोस्, हामीले सम्झाएर नपुगे। उहाँ धार्मिक धर्म आस्था भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ है। सबै नेपालीहरूलाई पनि यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, दुर्गा मातालाई पूजा गर्ने बेलामा मोतीलाई होस् आओस्, अधर्म र धर्म छुट्योस्। हामी नेपालीहरू त्यत्रो भूकम्पको मारमा मार खेपेको मान्छेहरू, हामी नेपालीहरू वर्षौँ वर्षौँदेखि राजनीतिक समस्याले राजनीतिक अस्थिरताले गन्जागोल तहस नहस भएर बसिरहेको मान्छेहरू, त्यसमाथि फेरि इन्डियन नाकाबन्दी अघोषित नाकाबन्दी आएर हाम्रो तहस नहस गरिदिएको छ। यो बिल्कुलै अधर्म हो, यो अधर्मलाई कसैले माफ दिन सक्दैन। हिजोसम्म म आहा मोदी जस्तो नेता हुनुपर्छ, मोदी जस्तो पो त नेता कस्तो बोले, म बोल्न आउँदिनँ, मलाई बोल्न जा, म बोल्न जान्दिनँ, तर मोदी जस्तो बोले कस्तो बोल्न सक्यो, त्यस्तो पो त नेता। उहाँले बोल्दाखेरि उहाँले यहाँ संविधान सभा कसरी नै हो, सबैको मनको भावना यो पूजाले व्यक्त गरेको छ। हामी अहिले शङ्कराचार्य मठको प्राङ्गणमा उभिएर पूजा गर्दैछौँ, त्यो पनि क्षमा पूजा। अस्ति पनि क्षमा पूजा ठाउँ ठाउँमा भएको थियो, अस्ति चाहिँ जमिन मुनिबाट आएको इन्डियन प्लेटले चाइनिज प्लेटले ठोकेको हुनाले क्षमा पूजा गर्नुभयो। जमिन इन्डियन प्लेट जमिन मुनिबाट किन आयो भनेर पूजा गरेको थियो। अहिले जमिन माथिबाट फेरि इन्डियन प्लेट नाकाबन्दीको रूपमा आएको हुनाले क्षमा पूजाको रूपमा पूजा गरेको हौ हामीले। मोदीजी ये नाकाबन्दी गर्न आपको नै शोभा नै देता है। मोदीजी देखिए ये नाकाबन्दी गर्न और बिनला दिने पिन टावरमै रके हवाइजहाज छोस्न उस्ता उस्तै बात है। बिनला दिने वो पिन टावरमै हवाइजहाज छोस न उस्तै कुछ चार कुछ हजार मान्छे मर गया, इसने तो 3 करोड़ आदमी मर गया। नेपाल में 3 करोड़ से ज्यादा आदमी इंडिया का ही है, तथ्यांक में थोड़ा है लेकिन बहुत है। आप रोटी और बेटी का बात कर रहे हैं, रोटी और बेटी का बात आपका संसार भर में है। आपने न्यूयॉर्क में बोला था, अमेरिका में सब लोग अमेरिका आते हैं लेकिन इंडिया का आदमी सब होल वर्ल्ड में जाकर बैठा है बोला था। नेपाल में भी कम नहीं है। आपने रोटी और बेटी का संबंध संसार भर में समझिए। आप संसार एक पृथ्वी हमारा एक घर है, ये इसमें डिस्टर्ब करना आपको शोभा नहीं देता है, बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। आप जल्दी जल्दी जितना हो सके जल्दी रुकिए, ये चीज ठीक हो रही है ना नहीं हो रही है। कब तो गा रही हिंदी बोलने वाले एक बार दिल्ली में सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जीलाई नेपालमा स्वागत गर्दछु। भारत हाम्रो नेपालको अखण्ड मित्र हो र हाम्रो युवा युगदेखिको सम्बन्ध अहिले आएर अलिकति चिसिएको छ, आप समझ रहे र नेपालीहरूलाई असाध्यै कष्ट भइरहेको छ। हामीले हाम्रो देशको संविधान बनायौँ, हाम्रो देशको संविधान हामीले मधेसको लागि पनि बनाएको हौँ,
पहाड़को लागि पनि बनाकम हिमालको लागि पनि बनाएका हुन् र केही मधेशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको चित्त बुझेको छैन र उहाँहरुलाई हामी हाम्रै देशबाट चित्त बुझाउने कोसिस गर्दै छम किनभने देखिन यो हाम्रो आफ्नो देशको समस्या हो हामी मधेशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको चित्त पटक्कै दुखाउन खोज्दैनम दुखाउन दिनु हुँदैन तर यो न्यूमा भारतबाट हामीलाई नेपाली जनतालाई यो इन्धन नपठाएर विशेष गरेर इन्धन नपठाएर हामीले धेरै नै दुःख पाइरहेका छौँ र नेपालीहरू धेरै नै रोइरहेका छन् भारतको व्यवहारले गर्दाखेरि र मैले अलिकति नेपालीहरूको आँसु सङ्कलन गरेर लिएर आएको छु यो नेपालीको आँसु म महामहिम भारतका प्रधानमन्त्री श्री मोदीजीलाई न किसी ने गोद में लिया न किसी ने स्वागत किया अभी अभी हमारे नेपाल के नंबर वन कॉमेडियन मदन कृष्ण जी ने हिंदी में भाषण किया हिंदी में ऐसा अच्छा भाषण करने वाला आदमी संसार में मैंने अभी तक नहीं देखा मित्रों नेपाल के इतने बड़े आदमी हैं हिंदुस्तान में 7-10 बरस पढ़ने के बाद आदमी आचार्य पास हो सकता है लेकिन नेपाल में जन्म से ही आदमी आचार्य होता है कितना सौभाग्य की बात है हमारे हिंदू संस्कार में गुरुजी चाहिए संन्यास लेने के बाद आदमी दीक्षित हो सकता है लेकिन नेपाल में जन्म से ही आदमी कनक दीक्षित है कमल दीक्षित है कितना सौभाग्य की बात है मित्रों अभी अभी हमारे हरिवंश जी पूछ रहे थे कि मोदी जी आप ये दो उंगली क्यों ऐसा करते हैं मैंने इनको कहा हमारे पूर्वीय संस्कृति में एक उंगली दिखाना अच्छी बात नहीं है इसीलिए दो उंगली दिखाते हैं मित्रों हिंदुस्तान नेपाल का हर सुख दुख में साथ होता है जब सप्तकोशी में बाढ़ आता है तब हम सप्तकोशी का पूरा ढोका खोल के पूरा सुनसरी में माछा पालन बनाना शुरू करते हैं जब पानी बंद होता है हम पूरा ढोका खोल के पानी बिहार में ले जाते हैं और सप्तरी में घाम सुखाने का आंगन में धान सुखाने का आंगन बना देते हैं मित्रों आज हमारे ये गुरुजी दिखने में तो हमारे दक्षिण भारत के लगते हैं लेकिन इन्होंने जब क्षमा पूजा किया मेरे मन में एक विचार आ रहा था मित्रों मैं पहले कहता था ऋषि मन होना चाहिए आज मुझे याद हुआ सिर्फ दाढ़ी पालने से आदमी ऋषि नहीं हो सकता सफेद और पित्त वस्त्र पहने से ऋषि नहीं हो सकता है ऋषि का मतलब है त्याग और दोस्तों का सम्मान और नेपाल और इंडिया के साथ भाई भाई का रिलेशन जब होगा उसी दिन आदमी का मन ऋषि हो सकता है मित्रों भाइ तपाईँले हटिदिनुहोस् न वो मित्रता बीच में किसी कारण से रुक गया था उसके लिए गलती कहाँ से हो गई कमजोरी कहाँ से हो गई इसके लिए भगवान पशुपतिनाथ से मैंने क्षमा मांगा क्षमा संसार में सबसे बलिया अस्त्र है मैंने यही मांगा